तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से आ रही है, जहां पर कॉलेज की छात्राओं ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप बेहद ही चौंकाने वाले, बेहद ही सनसनीखेज हैं। हमारे महाविद्यालय में छात्राओं ने जो प्रदर्शन किया, उनकी ये मांग थी कि उनके मोबाइल पे कोई व्यक्ति जो है उनके से डिमांड करता है पैसे की और फोटो वगैरह उनकी मांगता है। बच्चियां बेचारी छोटी अनजान है, उन्होंने मुझे जो जानकारी आज मिली कि इतनी सारी लड़कियों थी, ये मुझे पहले कभी नहीं मिली थी, क्योंकि मैं तो बच्चों के लिए आखिरी दम तक लड़ने वाली प्राचार्य हूँ और अभी भी मैं SP ऑफिस क्राइम ब्रांच जाकर बच्चों की शिकायत को वहाँ दर्ज कराऊँगी और यदि यहाँ निराकरण नहीं होगा तो मैं भोपाल तक जाऊँगी, क्योंकि मुझे, मैं एक महिला महाविद्यालय में हूँ और मेरा दायित्व है कि बच्चों की समस्या, यदि इस प्रकार के क्राइम बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पर तो उसका अंत होना चाहिए। तो दो लड़कियाँ आई थी, दोनों की उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, बाकी आज जितने भी छात्राएं आई हैं उनके लिए मैं स्वयं महाविद्यालय प्रशासन की ओर से लड़ रही हूँ। जबलपुर के इस मामले ने हर किसी को सख्ते में डाल दिया है, हैरान है हो रहे लोग कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे। छात्राओं ने बताया है कि उनके फोन में अश्लील वीडियोस, अश्लील मैसेज आ रहे हैं और इन वीडियोस और मैसेजेस के आने के बाद एक कॉल आ रहा है जिसमें वो शख्स दावा करता है कि वो पुलिस का अधिकारी है और वो उन बच्चियों के माता पिता से कंप्लेन करेगा कि वो लड़कियां पॉर्न वीडियोस देखती हैं, जिसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। पूरी खबर आपको देखने को मिलेगी न्यूज 18 नेटवर्क पर। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत है जिन्होंने पूरे मामले का भी हाल जाना है जबलपुर के हमारे सहयोगी पवन से। प्रशांत देखिए, दरअसल ये पूरा मामला ये कि एक कॉलेज है और उसका जो हॉस्टल है उसमें बहुत सारी छात्राएं हैं, जो ज़्यादातर छात्राएं उसी हॉस्टल में रहती हैं और करीब 70 छात्राएं केवल हॉस्टल की हैं, जो टोटल आंकड़ा आ रहा है करीब 300 से ज़्यादा छात्राएं एक साथ शिकार हुई। सवाल यही है कि अगर एक छात्रा को फ़ोन आया है, ये वीडियो बनता कैसे, बना कैसे, ये थोड़ा समझ लेते हैं। दरअसल एक कोई फेक कॉल आया आपके पास और उसने आपसे वीडियो कॉल किया, आपकी तस्वीर उस पर जा रही है, इसके बाद जो पॉर्न वीडियो है वो प्ले कर दिया और उसे रिकॉर्ड कर लिया। अब उसी आधार पर ये कहा जा रहा है कि भाई हम फ़ोन कर किया जा रहा है, आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं। करीब 300 छात्राएं ऐसी हैं जो अब शिकायत में बात निकल कर सामने आई है, अब पैसे मांगे जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि एक साथ इतनी सारी छात्राएं शिकार कैसे हो गई, दरअसल नंबर कैसे पहुंच गए। जी, ये यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि भाई एक ही कॉलेज और एक ही हॉस्टल से जुड़ी ये सारी छात्राएं, यानी कि आपका मैनेजमेंट से जुड़ा कोई व्यक्ति है या फिर जो आपका मैनेजमेंट है या जो हॉस्टल से जुड़ा डेटा है वो कहीं ना कहीं लीक हुआ है, पर्टिकुलर किसी कोई हैकर के पास पहुँच गया या जो ऐसे लोगों के पास पहुँच गया जो लोगों को निशाना बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। और ये जो जबलपुर का एक गोरखपुर थाना है उस क्षेत्र से जो आरोपी है वहां से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस अब इस मामले में एक्शन ले भी रही है। प्रशांत एक और चीज है, पहला मामला सामने कैसे आया? पहला मामला जो शुरुआत हुई, एक अब पहला मामला अभी तक खुला नहीं कि पहला मामला कौन सा था इकट्ठा। दरअसल जो छात्राएं हैं उन्होंने अपने मैनेजमेंट को ये शिकायत की है, अब मैनेजमेंट ने पुलिस में ये शिकायत की है और अब जाकर जो बात खुली है कि करीब इतनी सारी छात्राएं एक साथ इसका शिकार हुई हैं। लेकिन इससे भी जो बड़ी बात है वो ये कि एक के बाद एक जो छात्राएं वो शिकार होती चली गई, क्या आपस में किसी ने शेयर नहीं की जानकारी इस डर से कि भाई कहीं उसका वीडियो लीक ना हो जाए, या फिर लगातार वो उन्हें धमका रहा था या क्या कर रहा था, ये अपने आप में वाकई में सवाल है। अब जाकर पुलिस के पास ये मामला सामने आया और ये बताया जा रहा है कि काफ़ी पहले से ये चल रहा था और कुछ ऐसी छात्राएं हैं जिन्होंने पैसे जो ब्लैकमेलर्स हैं उन्हें दे भी दिए हैं कुछ। ये बड़ी बात है कि छात्राएं डर गई और उसी डर के चलते उन्होंने ब्लैकमेलर्स को पैसे चुकाए भी। पैसे कैसे दिए गए प्रशांत? पैसे ऑनलाइन बताया जा रहा है कि ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करने के लिए जो ब्लैकमेलर्स हैं वो लगातार दबाव बना रहे थे। और हाँ, अब ये अभी डेटा खुलना बाकी है कि किस कितनी छात्राओं ने पैसे दिए हैं और कितना पैसा ये अभी तक वसूल चुके हैं, ये अब जब जाँच होगी आगे बढ़ेगी तो ये बात धीरे धीरे निकल कर सामने आएगी। लेकिन वाकई ये हैरान वाकई करता है, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं कि इस तरह के वीडियो बनाए गए हों। एक दो वीडियो अमूमन मेरे आपके पास भी ऐसे कॉल आते हैं, लेकिन हम लोग अवेयर हैं, चीज बात को समझ जाते हैं, लेकिन वहां पर ये छात्राएं शायद समझ नहीं पाई और एक के बाद एक 40, 50, 60, 70, 80, 100, 150, 200, 300 छात्राएं एक साथ इसका शिकार हो गई हैं। तो कॉलेज की छात्राएं हैं तो समझदार, इस इतनी इस उम्र में है कि थोड़ी समझदार है। लेकिन बड़ी बात प्रशांत जो आपने उठाई कि छात्राओं ने आपस में डिस्कस क्यों नहीं किया, क्योंकि अमूमन जो छात्राएं लड़कियां होती हैं स्वभाव ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों से इस तरह की बातें, कोई परेशानी वाली या कोई अच्छी बात जो भी होती है, तमाम एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ छात्राओं ने क्यों नहीं शेयर किया? और जो एक महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया कि एक ही कॉलेज की,
एक ही हॉस्टल की छात्रा, इसका मतलब क्या कोई जानबूझकर टारगेट कर रहा था या कोई अंदर का ही था जिसने वो नंबर्स लीक किए या इस साजिश का हिस्सा है? बिल्कुल, एक साथ इतने सारे नंबर, या तो देखिए अगर ऐसा होता तो अलग अलग कॉलेज या अलग अलग छात्रावासों का मामला होता कि कुछ 10 छात्राएं इस कॉलेज की, 10 छात्राएं उस हॉस्टल की, लेकिन जब एक ही कॉलेज और एक ही हॉस्टल का जब मामला सामने आता तो फिर मैनेजमेंट पर सीधा सवाल उठता है। दूसरा ये कि क्या आपका डेटा सुरक्षित नहीं है, स्कूल या मैनेजमेंट या जो हॉस्टल का या जो छात्राएं हैं छात्रों का डेटा सुरक्षित नहीं है, वो कोई भी उसे हैक कर सकता है, या फिर अंदर का कोई आदमी है जिसने पूरा डेटा कॉपी किया और पर्टिकुलर ब्लैकमेलर्स के पास पहुंचा दिया, ऐसे लोगों के पास पहुंचा दिया जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं। और साइबर क्राइम अब बहुत ईजी हो गया है, साइबर क्राइम किसी के साथ करना, किसी के साथ फ्रॉड करना, किसी के अकाउंट में जाकर पैसे निकालना, या बहुत ईजी हो गई बातें। लेकिन अब यहाँ पर जो बात सामने आई है ये उन छात्राओं की इज्जत का सवाल था, और संभव ये हो सकता है पढ़ना कि चूंकि अब कोई भी अगर लड़की है तो उसे लगता है कि अगर ऐसा वीडियो अगर उसका लीक हो गया, वायरल हो गया, तो उसकी इज्जत पर बात आ सकती है, जबकि उसकी उसमें कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है। और इसीलिए हो सकता है कि एक के बाद एक ये सारी छात्राएँ ऐसे शिकार होती चली गई। लेकिन ये भी एक 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 एंगल ये भी हो सकता है कि जो छात्राएं शुरुआत में शिकार हुई हो सकता है कि उनसे और नंबर लिए जाते रहे हों इसी के बहाने। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं प्रशांत, ये बहुत बड़ी बात है कि जो छात्राएं शुरुआत में उनका शिकार बनी, क्या पता उनसे ना सिर्फ पैसे लिए जा रहे हों बल्कि उनसे दूसरी इन्फॉर्मेशन भी ब्लैकमेल करके निकलवाई जा रही है। बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठाया है। आपको याद होगा अजमेर कांड जो जिसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं, एक एक लड़की उसी की फ्रेंड को बुलाया जाता था, फिर उन्हें टारगेट किया जाता था, उन्हीं के जरिए दूसरी उनकी फ्रेंड्स बुलाई जाती थी, उन्हें टारगेट किया जाता था। और हो सकता है कि ये हालांकि ये जांच में ही पढ़ना सामने आएगा कि दरअसल ये एक के बाद एक इतनी सारी छात्राएं शिकार हो कैसे गई। अब सवाल ये कि साइबर क्राइम को क्रैक करना थोड़ी चुनौती ज़रूर होता है, लेकिन अब क्रैक करना होगा, आरोपियों तक पहुंचना होगा, और ये भी एक अपने आप में सवाल है कि जो दो आरोपी अभी शुरुआती तौर पर सामने आ रहे हैं केवल वो दो आरोपी हैं या फिर एक बड़ा रैकेट है जो इस तरह के काम कर रहा है, नेक्सस जी पूरा कोई नेक्सस है क्या, ये ज़रूर अभी समझने वाली बात है इस पूरे मामले में। और बहुत गंभीर मामला है, सरकार भी सजग है, जो पॉलिटिकल स्तर पर भी कहा जा रहा है कि सरकार ऐसे मामलों में बेहद सख्त एक्शन लेगी। दूसरा ये कि अभी ये भी समझना होगा कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए आपको और कितनी टेक्नोलॉजी को और स्मूथ बनाना है, दूसरा आपके जो साइबर क्राइम से जुड़े अफसर हैं या जो साइबर क्राइम को हैंडल करने वाले अफसर हैं उन्हें और क्या और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। और एक और बात कि साइबर क्राइम को लेकर हमें अपने आसपास के लोगों को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को भी अवेयर करने की आवश्यकता है कि कभी भी ऐसा कोई कॉल आए जो आपसे ओटीपी मांगे या आपको ब्लैक मेल करें तो डरना नहीं है, उसके आगे सरेंडर नहीं करना है बल्कि उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, बताना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कौन हमसे पैसे मांग रहा है। और ये बात आपने कही कि वाकई साइबर क्राइम इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी अभी तक उतनी रफ्तार के साथ वो मामले पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं और क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, चुनौती लगातार बनी हुई है। तो जबलपुर में क्या हुआ हमने आपको पूरी अपडेट दे दी, इसमें जो भी आगे भी अपडेट आती रहेगी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। पहले एक कॉल आया था, उसने बोला मैं गोरखपुर थाने से ऐसा ही विक्रम गोस्वामी बोल रहा हूँ, आपको एक व्हाट्सएप आया होगा उसमें लिंक होगी, आप वो लिंक पे ओपन करें, उसमें ओटीपी आएगी, जो भी आएगा वो आप मुझे सेंड करें। और मतलब वो फिर न्यूड वीडियोज़ भेजता है और उसमें बोलता है कि आपकी रिपोर्ट, आपके खिलाफ कंप्लेन है, रिपोर्ट आई है, आपका इसमें फ़ोटो दिख रहा है, अगर आपको नाम हटवाना है तो आप मुझे पैसे भेज दो वरना मैं आपके घर आ रहा हूँ, आपकी फैमिली में पता चलेगा, फिर आपकी बदनामी होगी, मैं आपकी फ़ोटो वायरल कर दूंगा, ऐसा ऐसा वो बोलता है। तो कई लड़कियों के पास फ़ोन आया था, तो मतलब जो हम लोग का ग्रुप है कॉलेज का उसमें हम लोग ने कंप्लेन भी की थी पर कोई एक्शन नहीं हुआ, ये बोला कि बस ब्लॉक कर दो, रिपोर्ट कर दो।